लोगों के सामने फिर वापस ले आया हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके। अभी जो दोस्तों अभी पोलैंड में बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भी बंदा अभी पोलैंड के लिए वीज़ा लग चुका है या पोलैंड के लिए आने वाला है, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा और क्या क्या लेके आना चाहिए इस टाइम में। तो दोस्तों मैं पोलैंड की बात करता हूँ, जो अभी टेम्परेचर जो चल रहा है -2-3 चल रहा है और इसमें बर्फबारी होने लगी है, और मैं वीडियो भी डालूँगा उसकी जैसी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी बर्फबारी हो रही है। और अभी मैं तो वैसे पोलैंड में नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, तो उन लोगों ने, मैं भी उधर रहा था, तो बहुत मज़ा आता है। बर्फ़ जब गिरती है तो बहुत आनंद आता है बर्फ़ में रहना, घूमना फिरना। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो, पहले ये देखें।
आई होप ये बर्फबारी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब ये वीडियो जो है पोजनान की है, पोजनान सिटी की, जहाँ बर्फबारी हुई है तो आज ही रात को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसी बर्फबारी होती है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या लेके आना चाहिए। आप जब इंडिया से चलते हैं या बांग्लादेश या श्रीलंका या पाकिस्तान से, तो आपको सबसे पहले तो ये जॉकेट लेके आनी पड़ेगी जो हमारी सर्दियों के लिए, क्योंकि इधर आओगे तो वो वैसे हम 50 रुपए की ख़रीद रहे हैं अपने इंडिया में, तो वो चीज़ आपको 150 की मिलेगी इधर। इतना महंगा भी नहीं है, लेकिन आदमी कन्वर्ट करता है तो पड़ता है। तो 150-200 की, मतलब ऐसे एक एग्जांपल दिया, अगर से आप उधर के 1000 की ख़रीद रहे हो तो इधर 2000-2500 की मिलेगी वो चीज़, समझ रहे। तो इतना फ़र्क आता है, उतना ज़्यादा भी नहीं आता। तो सबसे पहले आप, तो विंटर अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप विंटर के लिए आप गर्म कपड़े ले लें, स्वेटर ले लें अच्छी से अच्छी, और वाटरप्रूफ लें, क्योंकि इधर ना कभी बारिश कभी पता नहीं चलता। बर्फ़ तो गिरती है, बर्फ़ जब आप घर के अंदर आओगे तो वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद फिर आपका कपड़ा तो गीला कर देगी, इसलिए वाटरप्रूफ वाली जॉकेट लेके आना। और आप अपने कपड़े लेके आना गरम, और सॉक्स लेके आना अच्छे क्वालिटी के जिससे ठंड, और जूते जो हैं, शूज़ जो हैं स्पोर्ट के जैसे मिलते हैं ना जाली मतलब कपड़े वाले, ये मत लेके आना इस टाइम पे। लेदर वाले शूज़ लेके आना जिसमें से हमको ठंडी से बचाएगा, और जो हवा ठंडी चलती है वो कवर करती है। और मफलर लेके आना, जिसके पास कैप है तो कैप ले आना, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और अपने साथ जैसे कुछ एक कंबल ले लिया, इधर भी तो मिल जाता है
कंपनी देती है, लेकिन भाई सपोज नहीं दिया तो आप ठंड में कहाँ मरोगे, कहाँ क्या करोगे। इसीलिए ठंड के लिए आप ये चीज़ें ज़रूर रख लें, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो दोस्तों तो प्लीज़ मुझे बाय कांटेक्ट करें, और व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। वीज़ा से रिलेटेड आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो अपॉइंटमेंट मिलेगा, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता भाई इन्फॉर्मेशन देने का। जो लोग पैसे लेते हैं, गरीबों को लूटते हैं हर चीज़, मैं उनके खिलाफ़ हूँ और मैं मदद करता हूँ हमेशा। तो दोस्तों अगर से जिसको भी इन्फॉर्मेशन, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल रहेगी, आप चेक करके आप वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें, मेरे पास वैकेंसी है, मैं दूसरी वीडियो में डालूँगा। जय हिंद, जय भारत।